अब आपको पता लग गया है कि क्वालिटी स्कोर कैसे मेजर होता है। क्वालिटी स्कोर में CTR, एड रेलिवेंसी और लैंडिंग पेज रेलिवेंसी देखी जाती है। एक जनरल क्वेश्चन ये होता है कि एग्जैक्टली CTR कितने परसेंट रोल प्ले करता है, एड रेलिवेंसी कितने परसेंट रोल प्ले करती है, लैंडिंग पेज रेलिवेंसी कितने परसेंट रोल प्ले करती है। तो इसका गूगल ने कोई आंसर नहीं दिया हुआ कि एग्जैक्टली फिगर्स नहीं बताए हुए कि कौन सी चीज़ कितने परसेंट रोल प्ले करती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स CTR जो है 65% रोल प्ले करता है आपका क्वालिटी स्कोर इंक्रीज करने में, उसके बाद 25% एड रेलिवेंसी एंड उसके बाद फिर लैंडिंग पेज रेलिवेंसी 10%। तो CTR का सबसे ज़्यादा मेन रोल होता है आपका क्वालिटी स्कोर इंक्रीज करने में। इसके बाद एक क्वेश्चन कि आपका क्वालिटी स्कोर क्या होना चाहिए। क्वालिटी स्कोर होता है 1 से 10 के दरमियान। आप 10 से ज़्यादा क्वालिटी स्कोर नहीं हासिल कर सकते और 1 से कम क्वालिटी स्कोर नहीं हासिल कर सकते। तो आपने एम करना है कि आपके पास कम से कम क्वालिटी स्कोर 7 आए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एडवर्ड्स के अंदर क्वालिटी स्कोर हमें कैसे शो होता है। यह हमारे पास एक एक्टिव एडवर्ड्स अकाउंट है। हम कीवर्ड्स के टैब पर आएंगे, क्वालिटी स्कोर हमें कीवर्ड्स पर मिलता है। क्वालिटी स्कोर अब चेक करने के लिए हम स्टेटस के कॉलम में आएंगे और अपने कर्सर को होवर करेंगे बबल पर, तो हमारे पास आ जाएगा क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर हमें शो हो रहा है ग्रीन फिगर में 8/10 है एंड एक्सपेक्टेड CTR एवरेज है, एड रेलिवेंसी अबव एवरेज है, लैंडिंग पेज रेलिवेंसी अबव एवरेज है। इसके बाद हम इस तरह कॉलम्स में भी क्वालिटी स्कोर को ऐड कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास क्लिक CTR एस्टिमेटेड फर्स्ट पेज बिट शो हो रही है। तो कॉलम्स में ऐड करने के लिए क्वालिटी स्कोर को हम कॉलम्स में क्लिक करेंगे, मॉडिफाई कॉलम्स पर क्लिक करेंगे, क्वालिटी स्कोर पर क्लिक करेंगे एंड इधर से हम सारे इन कॉलम्स को ऐड करेंगे जो भी क्वालिटी स्कोर से रिलेटेड हैं। सबसे पहला क्वालिटी स्कोर, एड रेलिवेंसी, लैंडिंग पेज रेलिवेंसी, एक्सपेक्टेड CTR, क्वालिटी स्कोर हिस्ट्री। क्वालिटी स्कोर हिस्ट्री से हमें पता लग जाएगा कि हमारे प्रीवियस क्वालिटी स्कोर हमारे पास क्या था और अब जो नया क्वालिटी स्कोर है ये हमारे पास क्या है। तो हम चेक कर सकते हैं कि हमारा क्वालिटी स्कोर इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। एड रेलिवेंसी हिस्ट्री, लर्निंग पेज एक्सपीरियंस हिस्ट्री, एक्सपेक्टेड CTR हिस्ट्री। हम इन कॉलम्स को अप्लाई कर देंगे, हमारे पास ये कॉलम्स एंड पर हमारे शो हो जाएंगे क्वालिटी स्कोर के। जब आप एडवर्ड्स अकाउंट मैनेज कर रहे हैं तो आपने क्वालिटी स्कोर का ध्यान रखना है, लेकिन अपने आप को ओवररन नहीं कर लेना सिर्फ क्वालिटी स्कोर से। क्वालिटी स्कोर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि क्वालिटी स्कोर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ज़्यादा मैटर करती हैं आपकी कैंपेन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में। कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन के सेक्शन में मैंने डिटेल से बात की है कि एक अकाउंट की परफॉर्मेंस को हमने कैसे ऑप्टिमाइज करना है। अगेन मैं रिपीट कर दूँ, क्वालिटी स्कोर का आपने ध्यान रखना है कि आपका क्वालिटी स्कोर लो ना आ रहा हो। क्वालिटी स्कोर का आपने ओवरव्यू रखना है, गूगल कैसे कैलकुलेट करता है, कैसे क्वालिटी स्कोर वर्क करता है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। लेकिन आपकी ज़्यादा तवज्जो जो हो वो रिजल्ट्स पर हो, बिकॉज हम एडवर्ड्स के कैंपेन चलाते हैं ई कॉमर्स में या तो सेल्स लाने के लिए या फिर लीड जनरेशन कैंपेन में लीड्स लाने के लिए। तो मेन मकसद हमारा क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास सेल्स आएँ या लीड्स आएँ और कॉस्ट पर लीड या कॉस्ट पर सेल कम हो। तो मेन टारगेट को आपने पूरा करना है। अगर ऐसा है कि आपका क्वालिटी स्कोर कम आ रहा है और आपको ई कॉमर्स से सेल्स अच्छी मिल रही हैं, आपके एडवर्ड्स में सेल्स अच्छी आ रही हैं या लीड्स अच्छी आ रही हैं, तो फिर जो आपके रिजल्ट्स हैं वो आपके क्वालिटी स्कोर को कवर कर जाएंगे। यानी कि अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो आप उसको रिजल्ट्स ला के दे रहे हैं, तो क्वालिटी स्कोर अगर आपका बुरा भी है तो भी आप क्लाइंट को लॉन्ग टर्म लेके चलेंगे डेफिनेटली, क्योंकि आप रिजल्ट्स ला कर दे रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि आपके पास रिजल्ट्स नहीं आ रहे लेकिन क्वालिटी स्कोर आपका बहुत बेहतर है, तो क्लाइंट आपके साथ नहीं चल सकेगा, क्योंकि मेन जो टारगेट होता है वो होते हैं रिजल्ट्स। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो और कमेंट में मेरे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर करें, ये मेरे लिए हेल्पफुल होगा बहुत। शुक्रिया।